हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब सब कुशल होंगे। तो आज मैं आपके साथ दोहर का एक और आइडिया लेकर आई हूँ। जी हाँ, आगे मैंने जो आइडिया आपके साथ शेयर किए हुए हैं दोनों दोहर के, वो आपने काफी पसंद किए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा कुछ अलग है, कुछ प्रोफेशनल ढंग का। ऐसा लगे कि आपने मार्केट में से इस दोहर को खरीदा है। और बनाना तो इतना ईजी है, क्योंकि इस तरह का जब भी हम बॉर्डर वाला पाइपिंग वाला दोहर तैयार करते हैं ना, तो ये बनाना आपको बहुत हार्ड लगता होगा, इसलिए आप ये बनाते नहीं और मार्केट से लेकर आते हैं। लेकिन अब से आप ये इसे बिल्कुल आसान वे में घर पे तैयार कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल इजी इजी टिप्स के साथ। मैं ये दोहर कैसे आप तैयार कर सकते हैं वो आइडिया आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। दोहर तैयार करने के लिए हमें कॉटन फैब्रिक लेना है, जिससे हमारा दोहर जो हम बनाए तो वो कंफर्टेबल बने। और इसमें मैंने बीच में से एक जोड़ लगाया है। मेरा जो कपड़ा है वो 42 इंच इसकी जो है चौड़ाई है, तो बीच में हमें एक जोड़ लगाना पड़ेगा। आपके कपड़े की जिस तरह से चौड़ाई है उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। और हमें इसकी सभी बाजू पे 3-3 इंच जितना हमें इसे छोड़ना है। रेंडमली अभी आप छोड़ दीजिए 3-3 इंच जितना, थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम बाद में इसे कट करके ठीक कर लेंगे। और हमें इस तरह से हमारी जो बेडशीट है इसे इसके ऊपर लगा देना है। अब मैं इस पर कच्चा काम कर रही हूँ, जिससे ये अपनी जगह से ना हिले, और जब मैं इस पर सिलाई करूँ तो मैं बड़ी आसानी से इस पर सिलाई कर सकूँ। तो ये बिगनर कर ले तो इसके लिए काम बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको बड़े बड़े ही टाँके लगाने हैं, बिल्कुल भी इसमें कुछ छोटा नहीं करना है। आप देखिए, बड़े बड़े टाँके मैंने लगा लिए सिंपली, क्योंकि हम बाद में इस पर मशीन चलाने वाले हैं और इसको मजबूत सिलकर करने वाले हैं। अब 3-3 इंच का मैंने जो अंतर रखा है उसे रख कर बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर लिया है। इस तरह से आप बिल्कुल इजी वे में थोड़ी सी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका दोहर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने इस तरह से 3-3 इंच से बाजू से रख दिया है। और अब हमें क्या करना है कि हमने देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई भी कर ली और इसे ठीक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मोड़ना है हमारे कपड़े को सिंपली, और इस पर हम प्रेस कर लेंगे, जिससे जब भी हम सिलाई करें तब हमारा जो ये भाग बहुत ही अच्छा सा बाहर से हम जब इसकी बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी बॉर्डर बनके तैयार होगी। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर पर हमें जस्ट इस तरह से बस निशानी कर लेनी है, और आपको इस तरह क्रॉस में निशानी करनी है, और इस क्रॉस की निशानी को आपको इस तरह से उठाना है। और उठाने के बाद मैंने यहाँ पर इसे पिनअप कर लिया है, जिससे मुझे इतने भाग को सिलना है तो मुझे ये सिलने में आसानी हो। तो आप इस तरह से पिनअप कर लीजिए, और बाद में इसी तरह से आपको इसके जो चारों कॉर्नर है इसको इस तरह से करना है तैयार करके, और इस भाग को जहाँ पर हमने निशानी की उतने भाग को हमें इसे सिलना है। इस तरह से हमने चारों कॉर्नर को सिल लिया है, और अब हमें इसे पहले तो इस तरह रख कर देख लेना है कि हमने जो किया है वो बराबर फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो देख सकते हैं आपके हमारा कॉर्नर बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जितना भाग हमने एक्स्ट्रा रखा था अंदर की बाजू हमने सिलाई की है, इतने भाग को हमें चारों बाजू के जो चारों कॉर्नर है इसमें कट कर लेना है, जिससे हम जब इसके कॉर्नर बनाए तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो है ये कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा। कोई नुकीली चीज डालकर आप इसका कॉर्नर और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया, और हमने प्रेस करके ये वाले भाग को तो इस तरह से दबाया ही है। और अब पहले हमें पूरे कपड़े पे पिनअप कर लेना है, और बाद में हमें इस भाग को सिल लेना है, और हमारा बहुत ही प्यारा सा दोहर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल इजी वे में दोहर तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारा सब बाजू फिनिशिंग के साथ 3-3 इंच भी आएगा, और हमने इस तरह से पिनअप भी कर लिया है, तो ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, तो हमें सिलाई करने में भी आसानी होगी। और हम एक समान मात्रा में जो है अंतर रख कर इसको सिलाई कर सकते हैं। और देखिए, हमने कितना प्यारा सा अपना दोहर मिनटों में तैयार कर लिया। दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लुक भी लग रहा है, और साथ में हमने इसे बिल्कुल आसान वे में तैयार कर लिया। तो है ना बड़ा ही आसान? तो आप भी अपनी पुरानी बेडशीट में से इस तरह से नई स्टाइल का दोहर तैयार कर सकते हैं। देखा कितनी आसान वे में हमने इसे तैयार कर लिया, और मार्केट से इसका लुक आ गया। जी हाँ, मार्केट में इस तरह के दोहर काफी कॉस्टली मिल रहे हैं, जो आप बिल्कुल घर पे जीरो कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। और आपको इसमें से मैंने जो भी आगे भी आइडिया शेयर किए हुए हैं, उसमें से जो भी दोहर आपने बनाया है या बनाने का सोच रहे हैं, तो मेरे साथ जरूर से कमेंट बॉक्स में अपने आइडिया शेयर कीजिएगा, मुझे इसका इंतजार रहता है। तो अपने पुराने बेडशीट का इस तरह से आप रीयूज करके इसे जरूर से तैयार कीजिएगा। और आप धीरे धीरे जब इस तरह के दोहर स्टार्ट करेंगे सिलना, तो आप में एक जात का फिर धीरे धीरे आपको सिलने में जो है मास्टरी आने लगेगी। मैंने आपके साथ बिल्कुल ईजी वैसे ही दोहर बनाने के आइडिया शेयर किए हुए हैं, कि आप किस तरह से लेसिस लगाकर पाइपिंग लगाकर भी दोहर घर पे तैयार कर सकते हैं, वो आइडिया शेयर किया हुआ है, जिससे अब आपको जब भी इस तरह का दोहर तैयार करना है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, क्योंकि आपने वो दोहर तैयार किया है। और इसको तो मैंने बिल्कुल इतना ईजी वे में तैयार किया है इस तरह के दोहर को, कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि हम इतनी ईजी वे में दोहर तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मार्केट लुक ला सकते हैं।
तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे नए आइडिया के साथ। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।